हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टू माय चैनल शिल्पीज किचन। आज की जो डिश हम बनाने जा रहे हैं वो दिल्ली की बहुत ही फेमस डिश है, जिसका नाम है राम लड्डू। ये खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। जब मैंने खाए थे मुझे भी बहुत अच्छे लगे थे, तो मैंने सोचा चलिए क्यों ना ये रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आपने वीडियो को एंड तक नहीं देखा तो आपको समझ नहीं आएगा ये कैसे बनता है। हाँ, अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। राम लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए मूंग की धुली हुई दाल, यानी कि बिना छिलके वाली ये मूंग की दाल हमने ली है। हमने ये एक कटोरी ली है। इसको हम धोकर 2-3 घंटे के लिए भिगाकर रख देंगे। ये 2-3 घंटे में आराम से अच्छे से फूल जाती है। चलिए साथ में बनाएंगे हम हरे धनिए की चटनी। हरे धनिए की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ धनिया लिया है। धनिए को छोटा छोटा चॉप कर लिया है। इसको मिक्सी के जार में पलट देते हैं। अदरक के टुकड़े जिसको मैंने चॉप कर लिया है, 2-3 हरी मिर्च, 2 पिंच हींग, आधा टीस्पून मैं डाल रही हूं इसमें काला नमक, साथ में डाल रही हूं अमचूर। ये मेरी साबुत वाली अमचूर है जिसको मैंने नमक के पानी में भिगाकर रख दिया था। मैं उसकी ये चटनी बना रही हूं। अगर आपके पास अमचूर नहीं है तो आप इसमें नींबू का भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए चटनी हम पीस कर लाते हैं। देखिए चटनी हमारी पिसकर एकदम रेडी हो गई है। राम लड्डू के साथ ये चटनी बहुत अच्छी लगती है। अब हम इसको पलट लेते हैं। देखिए 2 घंटे हो चुके हैं, मूंग दाल हमारी फूल गई है अच्छे से। मैंने इसको धोकर साफ कर लिया था, आप देख सकते हैं। देखिए एकदम बढ़िया फूली है। अब हम इसको पीसने के लिए मिक्सी का जार लेंगे, उसमें ये डाल देंगे। इस मिक्सी के जार में मैं डाल रही हूं 2 हरी मिर्च। आप ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहे डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा डाल रही हूं मैं अदरक चॉप करके। अब हम इसको पीस लेते हैं। मूंग की दाल में पानी की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती। आप पीसते समय अगर जरूरत लगे तो पानी ऐड कीजिए। देखिए दाल हमने पीस ली है, एकदम फाइन पेस्ट बनकर तैयार हुआ है। मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है अभी। अब हम इसको बोल में, बड़े बोल में पलट लेते हैं। देखिए 2 टेबल स्पून के करीब मैंने मिक्सी के जार में पानी डालकर बाकी का दाल भी इसमें से निकाल लिया है। एक्स्ट्रा पानी मैंने इसमें नहीं डाला है। आप मेरे दाल की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, जैसे हमारे इडली का होता है वैसा ही मैंने इसका बेस रखा है। देखिए एकदम थिक है और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है, इसके पकौड़े अच्छे से निकल सकते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं नमक। नमक हम डालेंगे स्वाद अनुसार। इसको मिक्स कर देते हैं। गैस पर रख लेते हैं हम कढ़ाई। गैस पर हमने कढ़ाई रख ली है। कढ़ाई में हमने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। मैंने यहाँ मस्टर्ड ऑयल का प्रयोग नहीं किया है। आप जो भी कुकिंग ऑयल खाते हैं उसका आप यूज कर सकते हैं। जब तक ऑयल गर्म हो रहा है तब तक हम दूसरा काम कर ले। यहाँ मैंने ली है एक मूली और मूली के पत्ते। मूली के पत्तों को हम थोड़ा सा चॉप कर लेंगे, एकदम महीन महीन चॉप कर रहा है मैं इस तरीके से। देखिए मूली के पत्ते मैंने एकदम से चॉप कर लिए हैं। मूली को हम कर लेते हैं कद्दूकस, यानी कि ग्रेट कर लेते हैं।
देखिए मूली भी ग्रेट हो चुकी है और अब हम मूली के पत्तों को इसमें मिक्स कर देते हैं। ये साइड कर देते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, देखिए ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें मूंग की दाल के इस तरीके से पकौड़े डालते जाएंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए, स्टार्टिंग में फ्लेम एकदम फुल होनी। पकौड़ों को हम हाथ से ही डालेंगे क्योंकि हाथ से ये अच्छे से पड़ सकते हैं। इस तरीके से हम इसमें डालते जाएंगे। इस तरीके से ऊपर ऑयल इसके करते जाएंगे। हमें पहले इनको टच नहीं करना है, मैं ये दूर से ही कर रही हूं। देखिए जब हम ऊपर से जो गीला दाल जब गीली होती है, जब हम ऊपर से ऐसे तेल करते हैं तो दाल अच्छे से सिक जाती है, फिर हम इनको पलट सकते हैं। देखिए लो टू हाई फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे और डार्क ब्राउन होने तक इनको फ्राई करेंगे। ये ऊपर से सख्त और अंदर से सॉफ्ट होते हैं। देखिए ये ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं। अब हम दूसरी बार के भी इसी तरह डाल देते हैं। इनको आप अगर हाथ से डालेंगे तो जैसे राम लड्डू होते हैं वैसे ही बनेंगे। अगर आपको हाथ से नहीं डालना है तो आप स्पून का यूज कर सकते हैं। एक कटोरी दाल में आप पूरे परिवार को राम लड्डू खिला सकते हैं। बस ऑयल स्टार्टिंग में एकदम से अच्छे से गर्म होना चाहिए। देखिए हमारे सेकंड खान के भी सिक गए हैं। ये दाल के बने होने के बावजूद भी ऑयल बिल्कुल भी नहीं पीते हैं, यानी कि बिल्कुल भी ऑयल सोक नहीं करते हैं। देखिए राम लड्डू बनकर हमारे तैयार हैं। अब हम इनको सर्व करते हैं। राम लड्डू हमने प्लेट में लगा दिए, इसके ऊपर से डालेंगे ये मूली का कस और मूली के पत्ते जो हमने आपके सामने कद्दूकस किए थे इस तरीके से। अब हम इसके ऊपर डालेंगे जो हरी चटनी हमने आपके सामने पीसी थी इस तरीके से। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और मूंग की दाल के हैं तो आपको कोई नुकसान भी नहीं करेंगे। देखिए एकदम से मस्त लग रहे हैं ना। आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। हाँ, मैंने इसमें कोई सोडा का यूज़ नहीं किया है, पानी भी मैंने बहुत कम डाला है।
अगर आपको लगता है आपकी दाल बहुत ज़्यादा थिक है तो आप धीरे धीरे करके 1-2 टेबल स्पून उसमें पानी ऐड कर सकते हैं। अगर गीला ज़्यादा हो गया तो आपके लड्डू का शेप नहीं आएगा, वो थोड़े फैले से हो जाएंगे, इसलिए पानी का बहुत ध्यान रखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, टिल देन गुड बाय।